लाइफ ग्रीन है ओनली ऑन ग्रीन टीवी, और जो हमारा शो देखते हैं उनकी भी लाइफ ग्रीन हो जाती है माशाल्लाह जी। क्या बना रही है शेफ? आज हम बना रहे हैं मोज़रेला स्टिक्स, एक कबाब है स्टिक के शेप में हम इसको बनाएंगे और बहुत ही लाइट मसालों के साथ बनाएंगे। आज तो बच्चे खुश होने वाले हैं, बच्चों को मोज़रेला चीज़ शेडर चीज़ें बहुत पसंद होती है, तो हमने सोचा चलो थोड़ा सा बच्चों को टारगेट करते हैं और बच्चों को खुश करते हैं। नहीं, गोश्त वगैरह कीमा है, चिकन का कीमा इस्तेमाल करूंगी और इसकी फिलिंग हम इसको मोज़रेला चीज़ से करेंगे, स्टिक की शेप में बना के इसको डीप फ्राई करेंगे। सबसे पहले चिकन का कीमा लिया है, ये मेरे पास हाफ के जी चिकन का कीमा है और इसको अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद में जो लग रहा है इस पर इनका खामोशी का पीरियड आता है। नहीं कोई बात नहीं, आप करें करें, टेका टेका लग रहा है, करें सही है। कीमा उसने मना कर दिया है, पावरफुल ब्लेंडर होता है। इसकी बाइंडिंग के लिए ताकि टूटे ना, बेसन है ये भी 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे और ये है कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, क्योंकि बच्चों के लिए बन रहा है तो ज्यादा हमने स्पाइस इसके अंदर ऐड नहीं करने। काली मिर्च पाउडर ये भी मेरे पास है 1/2 टीस्पून और इसमें नमक ऐड करेंगे वो भी 1/2 टीस्पून, ज़्यादा नहीं क्योंकि मोज़रेला चीज़ भी थोड़ी सी नमकीन होती है, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। और इसके साथ मैं ऐड करूँगी इसमें बारीक फाइन चॉप की हुई हरी मिर्चें, वो भी सिर्फ 1 अदद, ज़्यादा नहीं, ठीक है इसके फ्लेवर के लिए। और ये आ गया हरा धनिया बहुत फाइन चॉप, के सारी चीज़ें दिखे ना मिक्स हो जाए। और ये मेरे पास यहाँ पर है क्रम्स हैं, ब्रेड क्रम्स हैं और ये अंडा है, ये सारे बाइंडिंग के लिए होते हैं कि जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये कहीं से भी टूटे ना। आप ऐसे घर में बहुत सारे कबाब खाते रहते हैं, फिर घर वाले भी कहते हैं ना नादिया कि ये बहुत ही भाई पुराना हो गया, कोई नई रेसिपी लेकर आओ। मेरे हाथ भी साफ थे तो मुझे इसके हाथ से इसको अच्छे से मैश करना ज़रूरी है, ठीक है इसको मैंने अच्छे से इसको मैश करूंगी। और मैं पता नहीं कैसे आएगा वो मैं सोच रही हूँ, मोज़रेला स्टिक्स इसकी शेप स्टिक वाली होती है और हम स्टिक के अंदर भी इसको लगा सकते हैं, दोनों सूरतों में आप इसको इसका काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अंडा है, अंडा पूरा नहीं ऐड करना आपने, जितना चाहिए आधा अंडा हमने इसके अंदर अंडा ऐड करेंगे। उसके बाद मैं इसको मैश करूंगी बहुत अच्छी तरह से हाथों से। और हमारे पास क्रम्स हैं, ब्रेड क्रम्स हैं, वो भी ऐड करूंगी, ये सारी चीज़ें बाइंडिंग के लिए है और ये बहुत अच्छी तरह से ये। अच्छा आप घर में जब बना रहे हैं आपके पास टाइम है तो आप इसको बना के सेट करके फ्रिज में रख दें, जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए ना फिर फ्राई करें। जब भी आप किसी चीज़ की कोई भी आइटम या कबाब बना रहे हैं तो वो आप ऐड करते हो, थोड़ा सा अंदर ऐड करेंगे, बाकी हम इससे कोटिंग भी करेंगे, दोनों चीज़ों से हम इसको फ्राई करेंगे। बहुत लोगों की शिकायत होती है कि चीज़ बॉल्स बना रहे होते हैं वो फट जाते हैं, निकल जाती है फ्राई के दौरान, क्रैक्स आ जाते हैं, अच्छा नहीं लगता, तो उसको आप पहले ठंडा कर लें, 1 घंटा फ्रीजर में रख दें, जब वो ठंडा हो जाएगा फिर गर्म ऑयल में इसको फ्राई करेंगे तो वो कभी भी नहीं टूटेगा। चिली बाइट्स बना रहे हैं, देखिए इतनी एक्सपीरियंस्ड औरतें हैं, को जब फ्राई करती है ना समोसे जी तेज आंच पे, बहुत गलत तरीका है ये, क्यों करते हैं उससे तो समोसे खत्म हो गया, उसके बाद आप जो सेकंड बैच होता है वो ठीक होता है बिल्कुल, लेकिन शुरू में पता नहीं वो क्योंकि तेज उसको खराब कर देता है, खराब कर देता है और फिर बाहर निकालते हैं ना वो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। तो आप हमेशा बहुत ही हल्की आंच पर समोसे को आपने फ्राई करना है, देर जरूर लगेगी लेकिन वो बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होंगे। नगेट्स के साथ भी ऐसे होते हैं एकदम जल गए अंदर से, बच्चे खा रहे हैं बच्चों को पता भी नहीं, ये कुक अगर आपके घर में ना चेक करें अक्सर वो कच्चे नगेट्स दे देते हैं, ठीक है तो हमने क्या पता अंदर से, मैंने ये मेरे पास मोज़रेला है इस तरह से मैंने इसको काट लिया है, चैडर चीज नहीं सिर्फ मोज़रेला, हाँ मोज़रेला बहुत स्टिकी सा होता है ना बच्चों को अच्छा लगता है ये, इसको फिर हमने अच्छे से बंद कर देना है, पैक कर देना है, इसको बंद कर दूंगी एक एक करके, मैं सारे इस तरह से स्टिक्स बना लूंगी। अब आप साथ में फिर मैं इसको फ्राई कर, बड़ी मजे की ड्रिंक बनेगी ये तो पी के पता चलेगा, ये हमारे अफ्तारी में आजकल ये चल रहा है। वाह वाह वाह, मैंने कहा था जामेश्वरी से नई चीजें भी आप बना सकते हैं, फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, ये जूसर गैरतमंद है, ठीक है। इतना ही हमने इसको गोल्डन ब्राउन करना है, ज्यादा इसे नहीं पकाना, ये तैयार है और इसको लेकिन ठंडा करके खाइएगा क्योंकि मोज़रेला है तो बहुत ज्यादा गर्म होता है, और सेटिंग करके ना इसको भी डेकोरेट करके हम आपको दिखाते हैं। ये हमारे बन चुके हैं। अच्छा मैं रिकैप कर देती हूँ अपनी रेसिपी को, मैंने यहाँ पे मोज़रेला स्टिक्स बनाई हुई है, उसमें मैंने कीमा लिया चिकन का, चिकन के कीमे के साथ मैंने इसमें स्पाइस ऐड की है, मैंने इसमें काली मिर्चें कुटी हुई लाल मिर्च नमक और मैंने इसमें हरी जो मिर्चें होती हैं 1 अदद वो फाइन चॉप की हुई, और इसके साथ मैंने थोड़ा सा धनिया और बेसन और कॉर्नफ्लोर मैंने इसके अंदर ऐड किया है। अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद फिर मैंने इसका अच्छी सी एक बड़ा सा एक कबाब बना के इसके अंदर मोज़रेला स्टिक्स को इसके अंदर मैंने इसको फिल किया, अच्छे से बाइंडिंग की और फिर इसमें मैंने अंडा और इसके अंदर क्रम्स के साथ मैंने कोटिंग की, कोटिंग करने के बाद मैंने इसको फ्राई कर लिया। हमारे मज़ेदार से मोज़रेला स्टिक्स तैयार है।
देखिए रमजान स्पेशल शो लाइफ ग्रीन है आज शाम 5 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।